ये देखिए यहाँ पे यसु क्या कर रही है। यसु की माँ निकाल रही है मक्खन काना जी के लिए। और यसु देखिए ये अपनी पंचायत ये मैं बनाऊंगा बेटा। माँ को दे दो अब यसु। रूस गिलो भैया तो नाराज होगी। देखो कर जल्दी काना मांग रहे जल्दी कर जल्दी कर जल्दी ऐसे हाँ जल्दी कर हाथ कद यो मक्खन निकलेगा और कद कानो मक्खन खाएगा। हाथ से कर जल्दी हाँ फटाफट कर जल्दी कर तो बेटा सीखेगी तू। सीख लिया आपको तो पहले से आता है यसु। माँ को दे दो बेटा अब। आधा मैं ऊपर से आप पकड़ो ऐसे मैं पकड़ूंगी ऐसे। ये लो फिर रूसगी बात बात पे मत रुसा कर इधर देख। अब इसका कहना ना मानो तो ये ऐसे रूसने लग गई पहले इसको पता नहीं था। काना जी जल्दी आ जाओ मक्खन खा जाओ। यसु योगिता योगिता बना रही है मक्खन। चलो हाँ जल्दी बुलाओ हाँ जल्दी चलाओ जल्दी चलाओ आवाज लगा दे काना को। जल्दी आ जाओ मैंने मक्खन निकाल दिया। मेरी बाल्टी तो जी सुबह के बज रहे हैं लगभग 8:30 और देखिए मौसम कितना अच्छा है। कितनी खिली हुई धूप निकली है आज और भगवान की दया से आज मेरे कपड़े भी इस टाइम तक धुल गए हैं। छत पे तो मतलब ना तो मेरे जाने का मन है और ना ही मैं जाऊंगी यहीं पे सुखा देती हूँ इसलिए। और देवत जी तैयार हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए मतलब रेडी हो चुके हैं अभी नाश्ता कर रहे हैं। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आगे आने वाले जो वीडियो है ना उनकी नोटिफिकेशन आप तक आराम से पहुंच जाएगी। और अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आए तो कमेंट करके मुझे बताना और लाइक पक्का से कर देना वीडियो पर ठीक है जी। अभी मैं जा रही हूँ यसु के लिए मैगी लेने। चाची की दुकान है बिल्कुल अपने घर सारे घर साथ साथ में है ना तो चाची की दुकान से मैगी लेके आ रही हूँ। और देखिए मेरी ये झाइयाँ कितनी बढ़ती जा रही है ना दिन बे दिन। क्या करूँ कोई इलाज हो तो बताना इनका ठीक है। तो आती हूँ मैं अभी 2 मिनट में दिखाती हूँ आपको। कोई ना दे रो तू खा अच्छा ये मैं गाय की रोटी दे देंगे मेरी बड़ी है। कोई नहीं दे कोई नहीं दे कोई नहीं दे तेरी रोटी कोई नहीं दे गाय को दे गाय को ना दे दे रोटी इसलिए खा रहा नहीं तो पूरे दिन रोटी नहीं खाता ये। गाय को दे दी तेरी रोटी है टफी गाय को दे दी खा ले सुबह से भूखा है अब खाइए। तू खा ले खा ले खा ले अब नहीं दे दे वाह बताऊँ खा रोटी ना खाई दिन में अच्छी और के वाह टफी सी कम है। नहीं आई है दीदी तो लेट आई है ना। हाँ के तो हमारी चाची ने बनाए हैं ढोकले चप्पल पहन लो चप्पल पहन ले भाई। चाशनी पहले आँख में डाल दी थी ना चाशनी वाले नहीं है नमक वाले। अच्छा बस घना ही है खा के देखिए मिर्च तो नहीं मिलेगी मिर्च तो मैंने मना कर दी यस तो इडली समझ के खा लेगी। लो फिर मैगी भी दे दो। अब मैगी तो दे हम जो लेना है वो तो दियो ना है ढोकला डाल के दे दिया वो मेरा सामान लेके जा रही हूँ। स्वाद है ना स्वाद है घी में बनाया है ना चाची आज वो बनी था
रिफाइंड तो नहीं था, देख ना। तो जी मैं बना रही हूँ चाय और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बोल क्यों नहीं रही कुछ भी। तो घर पे कोई आया हुआ है और ये बिल्कुल चौक में ही जो आए हुए हैं, बिल्कुल चौक के अंदर ही बैठे हुए हैं, तो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, थोड़ी सी शर्म आई। मैंने सोचा कि कोई ये सोचेगा फालतू में कि देख इनकी बहू है, ये अपने आप ही बातें करती है। ये सब मैंने किसी को बता थोड़ी रखा है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, किसी को नहीं बता रखा। तो फालतू में मेरे को पागल ना समझने, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं, बस खाली चाय छान ली आप लोगों को बस ये बताने के लिए कि मैं चाय बनाती भी हूँ और पीती भी हूँ। मैं भी मतलब कम कर दी, बहुत कम कर दी, मैं शायद एक टाइम ही चाय पीती हूँ, अब कभी कभार दो टाइम हो जाता है। आप कप में लो, गिलास में लो, जिसमें मर्जी है उसमें लो। वाह, उठते जुलम सवार ली है आदमी ने। मुंह धो के आए थे ये बताना? देखो ये मुंह भी नहीं धोते उठ के, बस कूड़ा करके आते हैं पानी। तो क्या गोरे हो तो फायदा उठाओगे? ये देखो हम तो यूं ही हैं, दिन में देखो अभी भी कुछ नहीं लगा, मुंह धो के आई थी, सो ही नहीं मैं आज। और ये देखो तितर पंखी। दूध कहाँ है आपका? दूध कहाँ है? वही। ये देखो ये मेरे को डांट रहे थे अभी अभी कि है ना पायल पहना करो, अच्छी नहीं लगती बिना पायल के। और ये यस्सु है, ये मेरी पायल छोड़ती नहीं है। क्या कि ये उस टाइम तो उठे नहीं जब मम्मी पापा ने पी थी, देवर जी बाहर गए हैं आज। तो अभी मैं इनके लिए चाय बना के लाई हूँ, तो ये एक्स्ट्रा चाय बन गई, वो मेरे को पीनी पड़ेगी। दे दूँगा थोड़ी सी और पी लोगे? ज़्यादा शक्कर कर दी, मीठी मीठी है। नहीं डाल दे दे, थोड़ी सी आजकल कंट्रोल करो, सिलेंडर 900 रुपये हो गया सिलेंडर। तो एक टाइम चाय पिया करो भाई, 900 रुपये का जी क्या करे, सरकार नहीं सोच रही, वाकई नहीं सोच रही। इतना महंगा सिलेंडर होता है कि ये बताओ 900 रुपए का आदमी महीने में सिलेंडर भरवाएगा? तो आओ क्या पायल बना दे ले मम्मा को, तो वो दाल रोटी खाएगा कैसे फिर? तो सोच सोच के दाल भी आधी पकी और रोटी भी पकी ऐसे ही खानी पड़ेगी। नहीं आजकल तो दाल भी काफी महंगी हो गई है, वाकई में बहुत ज़्यादा मीठी मीठी कर दिया तो मैं चाय मेरे से नहीं पी जा रही। अब मैं उन पीट दूँ जाके पीट दूँ उन्हें। इसकी माँ बैठी है तो इसको कुछ कहेगी नहीं, और ना कुछ कहने देगी तो भाग जाती है दो मिनट में। वो रहा बाबू दिखो दिख क्या कर दिया ये पापा मार देगा, देखो खून कर देगा। बोलो काय बंदे, ससुरे हमें भी दिखाओ, बंदों से मिलवाओ। कर दिया देखो, ये किसी भी एंगल में दिखती है, किसी को मारेगी ये शक्ल देखो, ये सिर्फ गेम में ही मार सकते हैं किसी को। सांप मार उड़ा छोरी ने, हाँ दे रहे हो बस वो स्नेक वाला गेम होता होगा ना, सांप भी मार लेता होगा। नीनी भाभी से सुनो हमारे चर्चे, आप रियल लाइफ। ओहो किसी के बस की नहीं था, दीदी ने मारा था। जीत गए जीत गए बिगॉन बिगॉन कौन जीतता धर्मा थी, मजाक उड़ा चेरो मारा, इसमें आवाज नहीं आ रही ना। ये देखो ये गोलियों के ये गोलियां दाग रहे हैं, चलते जा रहे हैं और पूरा दिन सिर्फ ये गेम ही खेलते हैं। भाभी नू मत बोलो, तो नू मनू के करा बताओ, आधा दिन पढ़ाई करो करो उतनी, बाकी तो गेम ही खेलो। यार तेरे टच नहीं समझ में आ रहे रिंकू। ये देखो अभी वो खेल रहे होते हैं इस फोन से, इनका फोन इनके पास रखा है, पर वो अभी थोड़ा सा काम करने में बिजी है, उनको खाना जो खाना है ठीक है, मेन काम खाने वाला है ना, इसलिए उनका काम ये कर रही हैं, और फिर ये भी खेलने लग जाएंगे। यार दो लोग मार दिया मेरे को, पता भी नहीं चला। बता मेरे को मार दिया, मार दिया आपको, खून कर दिया मेरे सामने जीवते बैठे हो, खून कर दिया। मेरे को तो ये गेम बिल्कुल नहीं समझ में आते, बेकार लगते हैं। तो ये देखिए हमसे मिलने के लिए आए थे, ये इनका अपना हालचाल बताने आए थे, इनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही आजकल,
तो मैं दिन में गए थे तो गई थी तो अभी ये आ गए। छोड़ के आऊँ क्या? ना वापस दोबारा मत लगा दियो, जाए खून लियो तो जहाँ से बाय बाय यहीं गिर जाएगी, नहीं तो देख लो लगाते हाथ।